अब बात भोपाल की, जहां करोंद क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने तीसरे दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भरी गर्मी और दोपहर को देखते हुए कथा स्थल में पानी से लेकर मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं भी की गई है। तो लोगों का कहना है कि प्रदीप मिश्रा के प्रवचनों और उपायों से उन्हें काफी फायदा पहुंच रहा है। कथा स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ऊपर तापमान लेकिन भक्ति ऐसी कि प्रदीप मिश्रा के प्रवचनों को सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ पहुंच रही है। पांच दिन के इस आयोजन में हर रोज भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हम इस आयोजन स्थल पर खड़े हुए हैं और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ जो है वो आई हुई है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा के प्रवचनों की बात है तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ जो है लाखों की तादाद में पहुंची है। पहले दिन ही जब आयोजन हुआ था उस दिन भी लाखों की तादाद में भीड़ पहुंची थी और वैसे ही भीड़ हर रोज देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल के करोंद पर यह आयोजन किया गया है। जो यहाँ के विधायक है विश्वास सारंग, उनके द्वारा ये जो आयोजन है इसको आयोजित किया गया है और प्रदीप मिश्रा जो है उनका प्रवचन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और उन्हीं के प्रवचनों को सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंची है। भरी गर्मी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोग गर्मी से त्रस्त है, लेकिन फिर भी भक्ति है कि लोग यहाँ पे इनके प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। कुछ महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या उनका मानना है इन प्रवचनों को लेकर। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कि क्या विश्वास है आपका, जो इतनी गर्मी में भी आप प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या विश्वास मानते हैं? बहुत विश्वास है, तभी तो पहुंचे हैं। मानते हैं आप किस तरीके के प्रवचन के सुनते हैं और कितना आज तक आपको इनके प्रवचनों से रिलीफ मिला है या उपचार हुआ है? कहते हैं कि उपाय बताते हैं, हमें तो रिलीफ मिला है। हमारे तो घर में भगवान विराजमान है, स्वयं विराजमान है भगवान, उनके घर में रहते हैं हम। कहा जा सकता है कि देश हमारे देश में जहां एक तरफ आस्था है एक तरफ भक्ति है, तो वही ये भक्ति इस तरह की गर्मी में भी प्रवेश सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं, क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज होती है और इसी विश्वास के आधार पर आस्था भी टिकी होती है। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनीशा के साथ गौरव प्रसाद।